ये इंडिया में रह चुके हैं इन पुणे राइट या मैं पुणे में काम करता हूं पेरिस और ब्रुसेल से सस्ता है ज़्यादा महंगा नहीं जनाब 49 सेंट का है तुम दो ले लेंगे दो बहुत है अपना खाना हो जाएगा चर्च की हिस्ट्री भी बता दी भाई साहब ने एम्स्टर्डम कैसे बना ये भी बता दिया अभी हम लोगों को जाना है और आगे तकरीबन 2 घंटे तो लगेंगे ही इनके पूरे टूर में फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है आई सेड लेट्स गो ही सेड चलो चलो ये रिसेप्शन मेरे पीछे और ये है डचेस हॉस्टल बाहर बहुत ज़ोर की हवा चल रही है और मेरे उस तरफ है हाईवे और यहाँ से आप साइकिल ले सकते हैं साइकिल टूर अगर आपको करना है साइकिल टूर के लिए आपको 50 यूरो पे करना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट और 12.5 यूरो जो है पर डे का चार्ज होगा तो अगर आप घूमना चाहते हैं साइकिल से बेसिकली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहीं हॉस्टल से ही ले सकते हैं ये मेरे पीछे डचेस हॉस्टल है उस साइड है मेरे हाईवे और जब मैं आ रहा था कल बस से तो मैं डचेस हॉस्टल सर्च कर रहा था तो 700 मीटर दिखा रहा था जब मेरी बस शायद उधर से गुजर रही थी इस साइड आई थिंक यहाँ का बस स्टैंड है तो इधर बस स्टैंड जो है इनका वो तकरीबन 1.9 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से कुछ 50 कदम की दूरी पर है ये सामने एक सुपर मार्केट तो इस सुपर मार्केट से आप आके कुछ भी परचेस कर सकते हैं और सच में ये पेरिस और ब्रुसेल से सस्ता है हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है मैं जा रहा हूँ आज फ्री वॉकिंग टूर जो कि यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हॉस्टल से और फ्री वॉकिंग टूर एक तरीके से तो सिटी एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा तरीका है और उसमें आपको बोलते कि टिप देनी होती है लेकिन यहाँ पर आपको 1.5 यूरो ने पे करना पड़ेगा तो 1.5 यूरो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है और फ्री वॉकिंग टूर जो है डैम स्क्वायर से आप ज्वाइन कर सकते हैं डैम स्क्वायर मैं जो जाऊँगा वहाँ यहाँ से पैदल जाऊँगा और ये सिटी से थोड़ा सा 3 किलोमीटर के फासले से है डैम स्क्वायर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये और कल मैं आया था जब मैं उस साइड चला गया था और जबकि मुझे जाना इस साइड था क्योंकि यहाँ पे फ्लैग लिखा है ना डचेस हॉस्टल डचेस हॉस्टल अच्छा हॉस्टल है सस्ता हॉस्टल है और सबसे अच्छी चीज़ है आपके सामने एक सुपर मार्केट है जहाँ से आप कुछ भी परचेस कर सकते हो और सारी फैसिलिटीज़ ये आपको देते हैं चाहे इनके से आप 8 यूरो में जो पास होता है जो मेट्रो में ट्रेम में वर्क करता है तो वो 8 यूरो में आप परचेस कर सकते हो तो वो पास इनके काउंटर से ही मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप म्यूज़ियम के लिए अगर आप टिकट्स बुक करते हो तो म्यूज़ियम्स के लिए टिकट भी बुक कर सकते हो तो उसमें भी अच्छा डिस्काउंट देते हैं तो अभी चलते हैं वापस अंदर अपने हॉस्टल में और हॉस्टल में जाने के बाद फिर 1:30 पर तकरीबन मुझे वहाँ होना है तो इसलिए मैं यहाँ से पहले ही निकल जाऊँगा ये बाहर स्मोकिंग जोन है तो सब लोग स्मोकिंग बाहर आके करते हैं आपको सामने दिख रहा होगा और ये रही हमारी साइकिल्स इन साइकिल्स को आप 12.5 यूरो में परचेज कर सकते हो सिर्फ एक दिन के लिए 24 आवर्स मिस्टर जैक हेलो ही इज़ फ्रॉम लंदन तो ये इंडिया में रह चुके हैं इन पुणे राइट या मैं पुणे में काम करता हूँ हाँ ये पुणे में काम करते थे तो ये हिंदी भी जानते हैं बड़े अच्छे मेरे पास आए बोले आप बोल गए आप कैसे हो मैं ठीक हूँ हाँ मेरा नाम है जैक है आप किसे मैं खुश हूँ और मैं खुश हूँ ओके आप कैसे हो आप फंसी हो ओके आ गए हम सुपर मार्केट में यहाँ से कुछ परचेस करने के लिए सो मिस्टर जैक कुछ परचेस करना चाहेंगे अपने लिए नो ओके आई डन सो इन ब्रेकफास्ट यू कैन टेक दिस क्रंचेस ले सकते हैं उसे और मैंने बताया था ये वाला बहुत सस्ता सुपर मार्केट है देख नहीं पाया यार बैग तो यही पड़े थे ज़्यादा महंगा नहीं जनाब 49 सेंट का है
दो ले लेंगे, दो बहुत हैं, अपना खाना हो जाएगा। ऐसे फ्रूट्स भी ले सकते हैं आप, दो एप्पल, दो क्रंचेस। हर चीज़ यहाँ आप देखोगे 2 यूरो से नीचे की, 55 पॉइंट, वहाँ पे हर चीज़ 2 यूरो, 3 यूरो, 5 यूरो तक थी। इवन यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, लेट्स गो, चलो। एक बार जोर से बोलना। आई सेड लेट्स गो, ही सेड चलो चलो। हाय, हाउ आर यू? $320. Okay. The receipt? Yeah, give me. Thank you. Sorry. €3.20 में इतना सारा सामान ले लिया है। जैक ने तो स्टार्ट भी कर दिया खाना। सबसे अच्छी चीज़ लगी, काउंटर पे पहुँचते ही बोलती हेलो। She said hello. देखने में मीठा लग रहा है बट इट्स सॉल्टी। मेरे पीछे जहाँ पे लोग रनिंग के लिए आते हैं, अपने डॉगी के साथ आते हैं, और वो आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिल जाएगा, लेकिन लोग बहुत कम है। सामने से भी कुछ डॉगीज आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपके पास डॉगी है और आप एम्स्टर्डम में रह रहे हैं तो आप अपने डॉगी को यहाँ घुमाने ला सकते हैं। डचेस हॉस्टल से थोड़ा सा पास में ही है, मैं जहाँ चढ़ रहा हूँ ये कुछ इस तरह का रास्ता है, और फाइनली हम निकलते हैं एक रोड पे। डैम स्क्वायर बहुत थोड़ा सा दूर रह गया है, तकरीबन 20 मिनट का वॉक और है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है किसी भी सिटी का एक्सप्लोर करने का कि आप वहाँ पैदल घूम रहे हो। नज़ारा है एम्स्टर्डम का, अभी भी चला ही जा रहा हूँ, पहुँचा नहीं हूँ, पहुँचने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। ओके ओके, तो ये वही साउंड है जो वुल्वरिन मूवी में सुनाई दिया था परमाणु अटैक होने से पहले, उसके बाद वो जाता है कुएं के अंदर, कूद जाता है और बंद कर लेगा। Also, I don't know what time of the month they test it here, so I'm just assuming it is a test. But we will find out soon, I think. भाई ये साउंड क्यों नहीं बंद हो रहा है? क्या सच में किसी ने परमाणु अटैक कर दिया? सामने ये सब उड़ रहे थे और मैंने स्पीड शूट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, अब ये क्या है? सब बैठ गए। मेरे पास जाने पर ये लोग उड़ जाएं। इस तरह का नज़ारा है इस पार्क का जहाँ से मैं भी गुजर रहा हूँ डैम स्क्वायर जाने के लिए। You may have wondered what is the significance of the windmills historically. Well, they were used as water pump. ये डैम स्क्वायर है एम्स्टर्डम के बारे में। एम्स्टर्डम का नाम एम्स्टर्डम के बड़ा पे गवर्नमेंट ने जो है 1.5 यूरो का चार्ज कर दिया है, तो वो चार्ज देना पड़ेगा आपको, मतलब जब आपका टूर का एंड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ काफ़ी साफ़ आ रही होगी, और तकरीबन 2 घंटे का ये वॉकिंग, फ्री वॉकिंग टूर है। इसको आप ज़रूर लें जब भी आएँ एम्स्टर्डम, क्योंकि बहुत कुछ पता चलेगा इसके बारे में आपको।
super dancing, super like, you know, real beauty and so. अब अगली जगह आ गए हैं, दूसरी जगह. Associations went into your mind. I've been चर्च की हिस्ट्री भी बता दी भाई साहब ने, एम्स्टर्डम कैसे बना ये भी बता दिया. अभी हम लोगों को जाना है और आगे तकरीबन 2 घंटे तो लगेंगे इनके पूरे टूर में, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है. इस तरह की गलियां हैं एम्स्टर्डम की, छोटी छोटी. अगर आप फिली वॉकिंग टूर के लिए आए तो इस जगह पे तो भाई पिक बनता ही है, काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे. लेकिन मुझे नहीं लगता अपना टूरिस्ट गाइड इधर रुकेगा, अगर मैं छूट गया अकेला तो दिक्कत हो जाएगी मुझे, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, चलते हैं आगे. फाइनली टूर की समाप्ति. एंड गवर्नमेंट ने आपका 1.5 यूरो कंपलसरी कर दिया था देने के लिए अगर आप फ्री टूर लेते हैं. तो इनको टिप के तौर पे किसी ने 5 यूरो दिए, किसी ने 10 यूरो दिए, किसी ने कुछ लोगों ने 40-50 यूरो भी दिए साथ में थे. अब डिपेंड करता है आपको इन्फॉर्मेशन इतनी मिली है तो आपको जो भी बेहतर लगता है वो आप कर सकते हैं. फ्री गाइड टूर, फ्री टूर में तो आप मैंने भी, मेरे पास भी एक 5 यूरो पड़ा था तो मैंने वो इनको दे दिया. तो इट्स ठीक ही था, आपने खुद ही देखा होगा तो अपनी मर्ज़ी से आप कितना भी दे सकते हो. तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे मांगेंगे कि हमें इतना दो. तो ये एक अच्छा है और आपको सिटी के बारे में एक नई नई चीज़ें, हिस्ट्री पता चलेगी. तो बने रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में. आज का दिन मैं शायद यहीं समाप्त कर दूँ, या फिर अगर और कुछ मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली शुक्रिया.